दिस पजेसिव एडजेक्टिव शो ओनरशिप ऑफ बिलोंगिंग ऑफ अ पर्सन और थिंग. अब जैसा कि हमने हर बार बताया कि जहां पे वर्ड आ जाता है पजेसिव, पजेसिवनेस मीन्स कि कौन सी चीज किसको बिलोंग करती है. जहां हम ये बताते हैं कि हम इस चीज के ओनर हैं या ये चीज हमसे बिलोंग करती है, वो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव आता है. एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस इज माई वॉच. यहाँ माई क्या है, मेरी वॉच है ये. तो ये जो वॉच को, जो नाउन को बता रहा है, हमारी बिलोंगनेस शो कर रहा है उस वॉच से, वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव ऑफ पजेसिवनेस हो गया. पजेसिव शो कर रहा है तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया कि ये मेरी वॉच है. लाइक डू यू हैव योर आइडेंटिटी कार्ड विथ यू, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड, मतलब ये जो आइडेंटिटी कार्ड है ये किसको बिलोंग करता है तुम्हें, योर. तो ये जो योर होगा क्या है, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है. द डॉग वेग्ड इट्स टेल. अब डॉग ने क्या करी, अपनी पूछ लाई है. तो डॉग की जो पूछ है वो किसको बिलोंग कर रही है, उसी को कर रही है. तो यहाँ पे ये जो इट्स है ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया. नाउ सिक्स्थ इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. अब इंटेरोगेटिव, जैसा हमने बताया, इंटेरोगेटिव वर्ड्स कम फ्रॉम इंटेरोगेशन वर्ड. अब इंटेरोगेटिव हमारा किस वर्ड से आता है, इंटेरोगेशन से. इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चनिंग. तो जहां पे भी हम क्वेश्चनिंग करते हैं वो चीज हमारे इंटेरोगेशन में आती है. नाउ तो क्या हो गया, हुज बैग इज दिस. अब बैग इज अ नाउन. अब हमने इसमें क्या पूछा, हुज बैग, ये किसका बैग है. तो ये हुज जो है ये हमारा क्या हो गया, ये हमें उस नाउन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हम जिस बैग की बात कर रहे हैं वो किसका है. तो यहाँ पे हुज हमारा इन हमारा नाउन है, दूसरी चीज देहरादून नाउन है. अब ये जो नाउन को हम, नाउन का जो हमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन दे रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि विच, कौन सी. तो नाउन का डिस्क्रिप्शन के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया, कि कौन सी ट्रेन जाती है देहरादून. तो हमें यहाँ पे जो डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है, जो ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला वर्ड है, वो क्या है, विच है. और विच हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया. ठीक है. और ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं, विच, व्हाट, हुज, दीज एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन. मतलब जो हमारा नाउन होता है वो जस्ट इज इन एडजेक्टिव्स के बाद ही लगता है. जैसे विच, व्हाट और हुज, इस तरीके के जब हम एडजेक्टिव यूज करेंगे तो जो हमारा नाउन वर्ड होगा, वो नाउन जो होगा वो हमारा जस्ट एग्जैक्टली इस एडजेक्टिव के बाद लगा हुआ होगा किसी भी सेंटेंस में. नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स. अब हम पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव्स का फॉर्मेशन कैसे होता है. तो अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव्स का फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं. एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग सफिक्सेस. अब एडजेक्टिव्स का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, वर्ड्स में सफिक्स ऐड करके. लाइक बेस वर्ड है हमारा इज, तो हमें अगर इज से एडजेक्टिव बनाना होगा तो हम उसमें एक सफिक्स ऐड कर देंगे, या ई को हटा के वाई हमने एक ऐड किया तो हमारा इज क्या बन गया, ईजी बन गया. और ईजी क्या हो गई, हमारी एक क्वालिटी को डिस्क्राइब करने लग गई, या ईजी से हमें नाउन की ज्यादा डिस्क्रिप्शन मिलने लगी. लाइक कि अगर हम बोल दें कि ही डन इज वर्क वेरी इजिली, और अगर हम बोल दें कि ही डन इज वर्क वेरी इजिली, और इस तरीके का हमें ज्यादा से ज्यादा नाउन का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने लगा ये वर्ड, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमने क्या सीखा, फॉर्मेशन करना बेस वर्ड से एडजेक्टिव का. नाउ यूज बिकम्स यूजफुल. अब यूज में हम एक सफिक्स ऐड कर देते हैं फुल, तो वो क्या बन जाता है, एक एडजेक्टिव बन जाता है, यूजफुल बन जाता है. और यूजफुल किसी भी सेंटेंस में हमें नाउन का डिस्क्रिप्शन करने के लिए और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकता है. इसी सेम मैनर में हार्म, हार्मफुल बन जाता है, पिटी, पिटीएबल बन जाता है, विंड बन जाता है विंडी, ब्रेक को हम ब्रेकेबल बना सकते हैं, हंगर बिकम्स हंगरी. तो इन वर्ड्स को हम सफिक्सेस ऐड करके बेस वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, कहाँ, किस में, एडजेक्टिव्स में. अब हम देखते हैं यूसेज ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर. अब हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का यूज कहाँ करते हैं. तो इसका पहला यूज कहाँ होता है, मच इज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स. अब हम मच का यूज कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, उन नाउन्स के साथ जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. लाइक वाइज शुगर, सॉल्ट, गिव मी अ लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर, हम ऐसे ही बोलते हैं ना. अब हम शुगर या सॉल्ट को काउंट नहीं करते हैं. तो जो वर्ड्स में हमारे जो अनकाउंटेबल वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, सॉरी, जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम मच जैसे वर्ड का यूज करते हैं. मैनी इज यूज विद काउंटेबल नाउन्स. डू इट मैनी टाइम्स. और मैनी बुक्स आर टू बी नीडेड. तो जहाँ पे, और मैनी बुक्स आर टू बी नीडेड. तो जहाँ पे मैनी हम लगाते हैं, मैनी हम उन चीज़ों के साथ लगाते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं. लाइक
मैनी स्टूडेंट्स केम हेयर, तो मैनी स्टूडेंट्स ये काउंटेबल नाउन्स है, स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम मैनी लगाते हैं। इनफ इज यूज विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब इनफ जो एडजेक्टिव है ये दोनों काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज हो सकता है, लाइक एनफ ऑफ द शुगर इज रिक्वायर्ड और enough of students has already came here। इस तरीके के sentences हम बना सकते हैं। enough का use हम कर सकते हैं countable and uncountable nouns both के साथ। little is used with uncountable nouns, little sugar is needed, हम बोलते हैं ना तो हमें थोड़ी सी शक्कर की जरूरत है, और give me a little amount of sugar, और give me a very little sugar, इस तरीके के जो uncountable nouns है उनके साथ हम little word का use करते हैं। few is used with countable nouns, few books are there, या I think few pens are left with me। इस तरीके के few words को, few adjective को हम सिर्फ countable nouns के साथ use कर सकते हैं। A list of common uncountable nouns is given below। अब हमें एक list दी हुई है common uncountable nouns के, जैसे money, fruit, work, time, vegetables, ये हमारे uncountable nouns है जिनके साथ हम ये जो adjectives हमारे जो कि सिर्फ uncountable nouns के साथ use होंगे उनको हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है लिटिल, लिटिल मनी इज लेफ्ट विथ मी, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास कुछ ही पैसे बचे हैं। अब फर्निशर